जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. आज कराची वालों के लिए तो भाई ईद का दिन ऐसा कह सकते हैं कि मौसम इतना हसीन, इतना खूबसूरत हो रहा है. शायद रात में बारिश भी हुई थी. मैं तो सी व्यू से आ रही थी तो वहाँ पर मैंने रश देखा, इतनी सारी गाड़ियाँ. मैंने कहा सब पहुँच गए आज मौसम को इन्जॉय करने के लिए. खैर, कहते हैं कि अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए, तो फिर बाहर सब अच्छा लगता है. और अगर अंदर का आपके मन का मौसम खुशगवार नहीं है तो बाहर कितना भी अच्छा मौसम क्यों ना हो, अच्छी सिचुएशन क्यों ना हो, अच्छे लोग क्यों ना हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता. क्या ऐसा है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है अंदर से तो वही चीज़ें आपको बुरी भी लगने लगती हैं, कोई चीज़ दिल को भाती ही नहीं है. तो आज मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या आपकी खुशी डिपेंड करती है बाहर की सिचुएशन पे, बाहर के मौसम पे, बाहर के लोगों पे, बाहर के लोगों की बातों पे, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, मौसम कैसा भी है, गर्मी है, सर्दी है, आप अंदर से खुश हैं. क्या आपके साथ ऐसा है या नहीं है? आज मेरा आपसे यही सवाल है. और क्या ये असर होना चाहिए इसी तरह का कि बाहर की चीज़ों का असर आपकी खुशी पे, आपके मन पे, आपके मूड पर होना चाहिए या नहीं? अच्छा जी, आज का शो, आज के शो से ख़ास जो हमारे मेहमान हैं वो ऑल द वे फ्रॉम रहीम यार खान से आए हैं हमारा शो करने के लिए, आपको सिखाने के लिए. ये पहले भी आए थे, बहुत छोटे से हैं लेकिन शौक़ जो है वो इनको कुकिंग का बेहद है. जब ये फ़र्स्ट टाइम आए थे लाइवली वीकेंड्स में तो मैट्रिक के एग्ज़ाम देकर आए थे. और अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी ये फ़र्स्ट ईयर में, अब आगे क्या क्या करेंगे, अभी से इतना शौक़ है और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ये सीख कर आएँ. और सीखा किससे है? कोई कोर्स वर्स नहीं किया है, इनको ज़रूरत नहीं है कोई कोर्स वर्स करने की. यूट्यूब जिंदाबाद, वहाँ से बहुत कुछ इन्होंने सीख लिया एंड आई एम श्योर आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आई. आइए वेलकम करते हैं उबैद को. अस्सलाम वालेकुम उबैद, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र. भाई इतने छोटे से हो ना आप, मैंने कहा यार अभी इतने छोटे हो, जब आए हो गए तो तब तो और छोटे हो गए, है ना? 4-5 महीने हो गए, 6 महीने. जून में मैट्रिक के एग्जाम देकर आए थे, रिजल्ट कैसा आया? A+ ग्रेड था, 84%. वेरी गुड. और अभी फर्स्ट ईयर के तो एग्जाम नहीं देकर आ रहे? नहीं, अभी जाना है, मार्च में होंगे. मार्च में होंगे. और बस फिर जब सेकंड ईयर में आएंगे फिर एक चक्कर लगा लेना. एवरी ईयर आप आते रहना हमारे सामने, आप बुलाते रहना. सही है. तो कुकिंग का ये जो आपका है सारा यूट्यूब से सीखा? यूट्यूब से, सब जब समझ नहीं आती देन माय मॉम इज माय सुपर पावर, सब कुछ मम्मा से. वही मैं आंटी से पूछी थी, मैंने कहा आपने कुछ सीखा? वो बैठ से कह रही नहीं मैंने सिखाया मम्मा ही सिखाती है सारा कुछ ना. लेकिन मम्मा को सारी नई टाइप की चीजें नहीं आती होंगी ना, जैसे ये छोटे छोटे टिप्स ले लेता हूँ ना कि मम्मा अगर ये ना हो तो इसको कैसे करूँ. चावल अगर एक दफा मैंने राइस बॉइल किए थे तो टूट गए, तो मैंने मम्मा से पूछा क्या करूँ. मम्मा कहती है अब जब भी उबालो ना तो 2 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया करो फिर नहीं टूट. वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी टिप आई है. देसी खाने तो हमारी माएं, हाँ वही जो बाकी होती है वो सी फिर यूट्यूब से. हाँ. फिर थोड़ी अपनी इनोवेशन करता रहता हूँ फिर ठीक हो जाता है. तो इतना वक्त मिल जाता है पढ़ाई के साथ साथ? सैटरडे संडे वीकेंड. सैटरडे संडे वीकेंड पर फिर आप करते हो कुकिंग वगैरह? वीकेंड पे करता हूँ क्योंकि फिर रूटीन इतनी टफ है, एकेडमी होती है, कॉलेज होता है, फिर टाइम नहीं मिलता. कराची में मजा आया? कराची में 2 दिन के लिए आए थे अभी, बहुत मजा आ रहा है लेकिन मौसम भी अच्छा है. इधर क्या हुआ? घूमे फिरे. हाँ जी घूमे फिरे लेकिन यहाँ पे मौसम इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, बहुत ज्यादा. अरे आज इतना अच्छा मौसम है, आज अच्छा. और आज ही आपकी वापसी है? आज ही वापसी है शाम में. ओहो, वरना चाहते आप भी सी व्यू जरा समंदर साहिल. नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम से. अच्छा आज की रेसिपीज के हवाले से मुझे बताइए कि क्या आज मैं बनाऊंगा? ऑरेंज शिफॉन पाए. हाँ ये कहाँ से? ये भी यूट्यूब? ये यूट्यूब से सीखा है और थोड़ी अपनी इनोवेशन. ठीक है. और क्रीमी चिकन, मसाला राइस और लेमन मिंट स्मूदी. इसमें से सब में से अम्मी की कौन सी फेवरेट? मसाला राइस. मसाला राइस थोड़े डिफरेंट से बनते हैं वो, डिफरेंट से बनेंगे वेजिटेबल्स के साथ और चिकन. हाँ. के साथ मजा आता है कुकिंग में आपको? मजा ही आता है तो करता हूँ. हाँ मतलब एंजॉय करते हो? एंजॉय करता हूँ. और क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? बस यही. और उसके जब टाइम मिलता है तो ये स्पोर्ट्स वगैरह में है कुछ? स्पोर्ट्स अगर टाइम मिले तो. अच्छा टाइम मिले, वरना तो पढ़ाई से वैसे ही नहीं. स्कूल कॉलेज का तो टाइम मुझको भी याद है. अच्छा हम किचन की तरफ बढ़े है ना, शुरुआत करते हैं. कुछ बीटिंग शीटिंग अगर करनी है हम कर लेंगे. ऑरेंज शिफॉन पाए से मैं स्टार्ट लूंगा. हाँ. सबसे पहले मेरे पास एक क्रीम चाहिए मुझे इसके लिए, 2 कप्स है आपके पास ना? सही है. अरे मैं हील्स ही पहन लेती, मैं हील्स लाई हूँ. अच्छा मैं पहन सकती हूँ. चलो आज रिलैक्स करते हैं, जरा संडे मनाते हैं. ये है क्रीम. अच्छा ये आपने टेट्रा पैक के लिए? टेट्रा पैक क्रीम लिया. आप ऑल पर्पज क्रीम ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम ले लें, इट्स अप टू यू. ठीक है. उबैद जो है ना वो
ब्रेक सोच कर आए, कहेंगे एक ब्रेक आपने मेरे से लेनी है. मैंने कहा आप सारी ब्रेक्स लेना आज, ठीक है. इसको बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए या फिर अच्छा अच्छी तरह से करना है इसको बीट. ठीक है, ये मज़े का बनता है, बहुत मज़े का, आप ट्राई करो. आई एम श्योर वो उसका बिस्किट का आपने वो बनाया हुआ है इसका पाए. इसको कितनी देर अच्छी सी फ्लफी हो जाए, तब फ्लफी हो जाए या ऐसी जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप करो. सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल. देखिए यही इंग्रेडिएंट. कलर वाला रखा है. घर पे कौन कौन देख रहा है? सारे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं. और सब में कौन कौन है? मेरे सिबलिंग और उसके बाद फैमिली मेंबर सब बैठे ही होंगे. पहले से ही नाश्ता वाश्ता करके बैठे होंगे. सुबह सुबह ही मैंने कॉल कर दी थी तो उठा. अब इसके अंदर डालनी है शुगर, 3/4 कप शुगर. अपने टेस्ट के हिसाब से आप सेट कर लें. अच्छा, कम ज़्यादा आप कम ज़्यादा आप खुद करें. और ये आपने कैस्टर शुगर, कैस्टर शुगर PCV. अगर आपने ब्रेक लेनी है तो हम ब्रेक ले सकते हैं. अभी सिर्फ मिक्सिंग ही है, मिक्सिंग ही है, अभी कुछ ऐड नहीं करते. ठीक है, चलिए हम जब तक सिर्फ कैस्टर शुगर ऐड करके अच्छे से बीट करते रहते हैं, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आज उबैद की रेसिपीज मिस नहीं करनी है. स्टे विद अस. ऑरेंज शिफोन पाए अज्जा, ऑरेंज जूस 1.5 कप, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, इसी चीनी 3/4 कप, पानी 1/4 कप, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 2 कप, मक्खन 2 आउंस, क्रीम 2 कप, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे, ऑरेंज स्लाइस गार्निश के लिए, ऑरेंज जाली गार्निश के लिए, फिटी हुई क्रीम गार्निश के लिए. जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ गए. यहाँ पर उबैद जो है वो बीट ही कर रहे थे. क्रीम आपने ली थी, कितनी क्रीम? 2 कप्स क्रीम थी. हाँ. उसके अंदर मैंने डाले 3/4 कप कैस्टर शुगर. ठीक है, अब उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ये जेलेटिन. अच्छा, 2 टेबलस्पून जेलेटिन है. हाँ, ये आपने पहले से मेल्ट पहले किया से है. ठीक है, और मेल्ट तो नहीं करना, मेल्ट जरा करवा कर दूं माइक्रोवेव में कर दूं. और उसमें क्या क्या जाएगा? ऑरेंज जूस, ये है मेरे पास 1.5 कप चाहिए. ये इसको मैं स्टार्ट करता हूँ. 30 सेकेंड. फ्रेश ऑरेंज का मैंने जूस लिया. हाँ. आप बॉटल वाला भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे. अच्छा, ये भी इसी में जाएगा. 1 कप. एक कप ऑरेंज सूप ले. आप इसमें ऑरेंज कलर भी डालोगे? ऑरेंज कलर. ठीक है, देखिए ज़्यादा बीट करने से अच्छे से थिक हो गई. थिक हो गई. ये जेलेटिन 2 टेबलस्पून. ठीक है, और ये पानी में ही घोल कर आपने में. सेटिंग के लिए. अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ. मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम खुश पाश है. वेरी गुड, वेरी गुड. फर्क ही नहीं पड़ता मौसम कैसा. सही, कल कॉल करने की मिली नहीं, कॉल मिला के मैं थक गई. मिली आज की नसीब में आपसे बात होना, मतलब बहुत अच्छा शो है. रेसिपी हमेशा की तरह अच्छी भी बहुत अच्छी है. और सवाल बताएंगे, आज का सवाल क्या रखा आपने? आज का सवाल ये रखा है कि क्या आप की खुशी डिपेंड करती है बाहर की सिचुएशन पे, बाहर के लोगों की बातों पे, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा ना खुशी रहना चाहिए. बाहर की सिचुएशन जो भी हो, खुशी से मुकाबला करना चाहिए. ये नहीं कि बाहर अगर कुछ अच्छा नहीं है. हाँ. तो आपने अच्छा अच्छा नहीं करना, पर मूड अपसेट रखना है. अच्छा. नहीं, हमेशा खुश हो, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी परेशानी, कैसा भी माहौल हो,
खुश रहोगे, सबको खुश खुश और अच्छा अच्छा नजर आएगा, तो कोई असर नहीं होता, अच्छा होता चला जाएगा लोगों की बातों का या बिहेवियर का, मौसम का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लोगों की बातों में नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, हमेशा खुश रहो, खुश रखो, और क्या, लोग तो पागल ही बनाते रहेंगे, खुद से मजबूत होना चाहिए इंसान को, नहीं बस हमें खुश रहना है, हमें खुश रखना है, हमेशा हमें अच्छा सोच रखनी है, बस अच्छी सोच रखनी है। मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा विनर में और विनर लिस्ट में, और आपका शो मुझे बहुत पसंद है, आज बस कॉल मिल गई तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलें बस आप इसी तरह से खुश, देखें कैसे डिपेंड करी आपने आपने की खुशी, ये कॉल मिली तो मैं खुश हुई। फौरन से इनको मैंने पकड़ लिया। अब जाएगा ऑरेंज जेल कलर। ऑलराइट, क्योंकि ऑरेंज सूफले है तो आप येलो कलर मांग क्यों रहे थे, मुझे ये वो लेमन मिंट स्मूदी के लिए चाहिए। ओ अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है। हाँ वो एक कलर ऐड आ जाए। हाँ एक कुछ और भी डाला है आपने? वो डाला है ऑरेंज एसेंस। ऑरेंज एसेंस गया हाफ टी स्पून। ठीक है ठीक है, ऑरेंज एसेंस भी है एंड कलर भी है। विस्क दे दें मुझे। स्पैटुला है? सही है। अच्छा जी, जेलेटिन गया, क्रीम को अच्छे से बीट किया, उस पर कैस्टर शुगर गई, जेलेटिन, ऑरेंज कलर एंड एसेंस। नहीं चल रहा, बस ठीक है। अच्छा बिस्किट का इन्होंने वो बनाया हुआ है, वो मैंने लिए थे वीट वाले बिस्किट लिए थे, उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला था 2 टेबलस्पून बटर और उसको मैंने चॉपराइज कर लिया था, क्रम्स अच्छा। बना के इसको पाई डिश में मैंने सेट कर लिया। और अच्छा थिक आपने वो दिया, बिल्कुल थिन होनी, और ये इसमें आप डालो। ठीक है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो आपके लिए कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हो? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप बताओ? मैं बिल्कुल ठीक शुक्र अल्लाह का। उबैद किरण को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम और प्यार। आप भी देख कर आपका शो देख रही है, बहुत इंजॉय कर रही है, और मैं किरण को बहुत मिस कर रही हूँ, उबैद को, मामा को, सबको बहुत मिस कर रही हूँ। आप ही आप क्यों नहीं आई? ये आप भी कितनी बड़ी है? जॉब थी इस वजह से मैं नहीं आ सकी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी। चलो ठीक है जरूर। लेकिन कैसा लग रहा है भाई? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको भी मामा को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम प्यार, मामा बहुत मिस करी उनको। बस आ तो रहे हैं आज ये लोग, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उबैद आपको कामयाब करे, अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ और जरूर किरण को टेस्ट करवाइएगा। हाँ वो उसने करा ली, कह रहे जरा मीठा चेक करें क्रीम में। अभी से शुरू सही है। चलो एंजॉय करो, आप लोग घर में नाश्ता वाश्ता करके बैठे हो? हाँ जी, सब ने नाश्ता करके हाँ। सब हम एक ही घर में सब इकट्ठे हुए हैं, मामू के घर, और उधर उबैद का शो देख रही है, बहुत एंजॉय कर रही है। और उबैद कुछ पूछना है, बात करनी है किसी से? बस अभी बाकी आएगी। और ठीक है आप लोग सब ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मामा ठीक है? मामा भी ठीक है। कीप वाचिंग माय शो। आपके लिए क्या खरीदा है यहाँ से? दुआएं। आप कुछ मंगवाया नहीं ना आपने कराची से खास? ऑयल चाहिए। हंस रही है। चलो ठीक है, आप एंजॉय करें शो और हम इसकी रेसिपीज एंजॉय करते हैं। मुझे चाहिए ऑयल एज पर नीड। अच्छा मसाला राइस में स्टार्ट करूं? अच्छा दूसरी रेसिपी भी आ गई, इतनी जल्दी जल्दी बातों बात तेज काम पर आए हैं आप, तेज काम पे जा रहे हैं। ये ऑयल जाएगा इसके अंदर हाफ का। हाँ ये कुकिंग ऑयल किफाया, कुकिंग ऑयल है किफाया, सबको दिल को भाया। 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है ये ऑयल किफाया, जिसमें सन सोयाबीन है, सनफ्लावर ऑयल है, और आपका कनोला ऑयल है। चिकन जाएगा 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, थोड़े ही छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। अच्छा अब हम आ गए मसाला मसाला हाँ। इतना आप YouTube पे देखते हो, देखो YouTube पे कैसे समझाते हैं ना बड़े तरीके से और आसानी से, वो भी तो सीखो ना, सिर्फ रेसिपी नहीं सीखो, इतना हवर गवर में जल्दी जल्दी वो डिश बना के फ्रिज में, और ये हम ले रहे हैं ऑयल, और ये बताओ तो ना आप 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 अगर चैनल आपका इस तरह से चले ना तो लोगों को समझ ही ना आएगी क्या बता रहे हो मैं अभी तो सूफले बना रहा था अभी। हाँ तरीके से आप बताओ क्या बना। चिकन को फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। नहीं बताओ बना क्या रहे? मसाला राइस बना रहे हैं। इसके लिए चिकन लिया मैंने 400 ग्राम, हाफ कप ऑयल, यहाँ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है चिकन को फ्राई करना, जैसे इसका कलर चेंज होगा इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको मैं कलर चेंज करूँगा और इसको फ्राई करूँगा, उसके बाद जाएगा 1 कप या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बॉयल्ड अनियन,
वो डाल के इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे, फिर उसके बाद स्पाइसेस देंगे, वेजिटेबल्स और फिर हम चावल, और फिर चावल लेंगे और फिर हम पका लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए यहाँ पे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, देयर इज नो जिंजर गार्लिक पेस्ट अब्दुल्ला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ वो ले लेते हैं। और ये भी यूट्यूब से सीखी है या अम्मी से सीखी है? ये मामा की रेसिपी है, वेरी गुड, सही है। ये आप सब लोग बड़े शौक से खाते हो जो ये आज सिलेक्शन, यही इसलिए मैंने कहा था कि ये इसी खाना है, इजी है, इजी है बिल्कुल, आप अभी देखते जाएं बहुत। अभी इसके अंदर बस ये जाएगा जिंजर गार्लिक, हाँ। और उसके बाद बॉइल्ड अनियंस, और उसके बाद स्पाइसेस और वेजिटेबल्स, बस हो जाएगा। और राइस बॉइल्ड है, बॉइल्ड बॉइल्ड राइस है, अच्छा वो इसके साथ, वो इसी के ऊपर हमने तह दे देंगे जैसे बिरयानी में देते हैं। अम्मी ने कहाँ से सीखी ये रेसिपी? ये मुझे नहीं पता, बच्चों ने सिखाती होगी, कई डिशेज माएँ जो है वो बच्चों की पसंद नापसंद से सीख लेती हैं कि उनको ऐसे पसंद है, इनको वैसे पसंद है। चिकन का कलर चेंज हो गया, अब इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक, ठीक है, 2 टेबल स्पून। उबैद अपना चैनल बनाने का सोचा है यूट्यूब पर? अभी मैंने वैसे बनाया हुआ है, अभी मैंने इतने नहीं है, लेकिन अभी उसके ऊपर बता दो चैनल यूट्यूब, उबैद किचन के नाम से ही है। हाँ ज़रा देखिए इसके कारनामे वहाँ पर। 2-3 वीडियोज़ हैं बस, 2-3 वीडियोज़ हैं, ठीक है। उससे भी ऐसे ही बता रहे हैं आप? उसमें मैं नहीं, मैं वीडियो ही खाली बनाता हूँ, अपने आप को नहीं लेता। अच्छा अच्छा, ओहो ये सही है, ठीक है। तब आगे के क्या प्लान्स हैं फर्स्ट ईयर के बाद? फर्स्ट ईयर के बाद उसके बाद मीडिया में आने का शौक है फिलहाल। मीडिया में क्या, एक्टिंग वगैरह या शेफ और न्यूज़ एंकरिंग? न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग का बहुत शौक है। हाँ अच्छी तरह फ्राई कर लें, इसके बाद अब जाएगा बॉइल्ड अनियन, ठीक है। अच्छा ये कितनी अनियंस हैं? 1 कप है बॉइल्ड, ठीक है। आप ब्राउन करके इसको ब्लेंड कर लें या आप ऐसे बॉइल्ड करके डालें, अच्छा। जिस तरह आपको ब्राउन करके तो फिर कलर ना चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, मैं लेकिन मैं वैसे बता दिया ऑप्शन, ठीक है सही है। अच्छा ये मसाला इसी में, और घर पे कौन कौन कुकिंग करता है? मामा, हाँ, और वो जो अभी सिस्टर का कॉल आई थी, अच्छा। वो और मैं मिलके, अच्छा सब एक्साइटेड है, पूरी फैमिली बैठी देख रही है, नर्वस तो नहीं हो रहे? नहीं इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा थोड़ा बहुत, हाँ इस दफ़ा नहीं, ठीक है। हाँ तो आप आज के सवाल का जवाब देंगे? कौन सा क्वेश्चन आज मुझे आज ये पूछा है ना कि क्या बाहर की सिचुएशन हो या बाहर का मौसम आपकी खुशी आप पर असर करता है, आपका मूड अच्छा कर दे, बाहर की सिचुएशन कर दे, बाहर की कोई भी सिचुएशन, बाहर की कोई भी चीज़, बाहर की कोई भी, अगर सिचुएशन अच्छी हो तो खुश कर देती है, खुश कर देती है, और सिचुएशन बुरी हो तो अब फिर बुरा नहीं, अपने अंदर नहीं बुरा चलाता। मैंने बहुत कुछ आपकी वो वाइब्रेशंस की जो आपने इतनी बातें की, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। जैसी वाइब्रेशन होगी ना फिर वही रियलिटी बनती है, मैंने ऑब्जर्व किया इस बात को, है ऑब्जर्व किया, कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया आपने कि आपने अंदर कुछ चलाया नेगेटिव? मैंने यही चलाया था कि मैंने सोचा था कि मैंने शो पे जाना है, रोज सोचता था रात को जब फ्री टाइम मिलना मैंने यही सोचना, फिर उसके बाद मैंने अपने अंदर अच्छा चलाना कि नहीं मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, हाँ। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैंने अप्लाई किया और दोबारा हो गया, दोबारा से हो गया। अच्छा भाई उबैद आप ही के लिए कॉल्स आ रही है, मैं बैठ जाती हूँ आप ही कॉल लेते रहिए। हेलो बोलिए, चलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये कौन है? अभी मुझे आवाज़ आएगी तो पता, बात करो ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उबैद? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप बताओ अली कैसे हो? कुछ नहीं, मेरे किया तो आप वो खोलो ना, लाइव आ रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी गूगल पे, वो खोलो। अली अली दोस्त हैं उबैद के जी, कॉलेज में साथ हैं जी, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। नहीं स्कूल तक साथ थे, फिर कॉलेज में बिखर गए थे। अच्छा कॉलेज सेपरेट हो गया लेकिन है पास पास। ओह अच्छा, तो अली ने तो बहुत खाने खाए होंगे उबैद के हाथ के। ये अली से मेरी दावत करता था। आप लोग तंग तो नहीं करते थे इसको, क्या तुम ये कुकिंग कर रहे हो? नहीं नहीं हम तो अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं ना। नहीं मेरे दोस्त ऐसे हैं। अच्छा तो आप लोगों में से किसी और को शौक है या सिर्फ उबैद को ही है? नहीं सर, मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा करती है, लेकिन ये जैसे कुकिंग करता है वैसे मैं नहीं करता। हाँ तो फरमाइशी प्रोग्राम चलता है इनके साथ? हाँ जी, ये ज़्यादातर स्वीडिश में आगे खिलाता है, यही खाने खिलाते हैं, मज़े हैं आप लोगों के। सही बात है।
ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? अब जाएगी इसके अंदर। हाँ वैद्य, आपसे कुछ बात करें। मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई मुझे। भाई इसको अभी इंटरेस्टेड नहीं है वो आपसे बात करने में, अभी से नहीं इंटरेस्टेड हूँ, पीछे पड़ जाएगा मेरे। ये मसाला था इसके लिए, अब इसके अंदर मैं डालनी है स्पाइसेस। ठीक है चलो बताओ। चिकन को हो गया, अब ये अनियन को मैंने अच्छी तरह सॉटे किया ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए और पक जाए थोड़ा सा। अब जाएगी इसके अंदर रेड चिली 1 टेबल स्पून। ठीक है, अब सारे मसाले, सॉल्ट एस अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे मैंने लिखा हुआ 1 टीस्पून। ठीक है, ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, ये है क्रश्ड क्यूमिन। अच्छा, ये भी 1 टीस्पून। भुनावा होगा, भुनावा, भुनावा, भुनावा पिसा हुआ जीरा। गरम मसाला है ये भी 1 टीस्पून। ठीक है, सिया मिर्च, जीरा, भुनावा, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और लाल मिर्चें। अब इसको आप भुनेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा। सही है जी, जब तक आप इसकी भुनाई करें ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें, मैं बस ब्रेक में ये जो 2 अंडे मेरे पास रखे हैं इनको मैंने सिर्फ खाली नमक सामने करेंगे। चलें ठीक है, अब आप अपने तरीके से ब्रेक लो ना, जो सोच रहे हैं। हियर इज टाइम टू टेक द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आई एम कुकिंग इट। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद, आज उबैद आए हैं रहीम यार खान से अपनी अम्मी के साथ ऑल द वे, और आज इनकी वापसी है। जाते जाते ये हमें मज़ेदार सी रेसिपी सिखा रहे हैं। अभी मसाला राइस हमने बताया है और ये अम्मी की रेसिपी है। एक दफ़ा रिकैप कर दो कि हमने सबसे पहले मैंने लिया था चिकन 400 ग्राम्स, 1/2 कप ऑयल में, यहाँ जितना ऑयल चाहिए उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसका कलर चेंज हो गया। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक गया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया जब तक चिकन डन नहीं हो गया। चिकन जैसे ही डन हुआ फिर मैंने उसके बाद इसके अंदर डाला था बॉइल्ड अनियंस 1 कप मैंने लिए थे। अनियंस को बॉइल करके ब्लेंड कर लिया था, प्यूरी बना ली थी अच्छी तरह। जब पक गया उसका पानी हल्का सा खुश्क हुआ, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था रेड चिली 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट था 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्यूमिन पाउडर, और इसके बाद गया था ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून, सारी चीज़ें। और अभी गरम मसाला, जीरा, भुनावा, पिसा हुआ और सिया मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक, ये मसाले गए। अब जाएंगे वेजिटेबल, ये है मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम 1 कप। अच्छा, एक चीज़ जो ये भूल गए थे आपके सामने नहीं डाला वो थे ब्लेंड टोमेटोज, ब्लेंडेड टोमेटोज, अभी फिर भूल गए थे बताना। ये है 1 कप कैरेट्स, ये मैंने चॉप की हुई है। ठीक है, और 2 टमाटर को ब्लेंड करके डाल दें, एक टमाटर लिखे 2 में मैंने 1 डाला। ठीक है, ये है पीस, मैंने इनको बॉइल कर लिया था क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, फिर देर लगनी थी, मैंने इनको बॉइल कर लिया। ठीक है, गाजर, शिमला मिर्च और कैप्सिकम। ठीक है, अच्छा तो मटर का सीजन होगा, मटर का सीजन, सीजनल रेसिपीज हैं सारी। ऑरेंज पाई भी होनी थी, ऑरेंज पाई भी आपने सीजन के लिए आपसे बनाया। ठीक है, अब मुझे चाहिए अंडे। हाँ, ये क्या करना है अभी अंडे का? अंडे मैंने खाली बनाया इसका। ठीक है, अच्छा बॉइल राइस हमने पहले से कर दिया, ये तय लगेगी। लेकिन देखने का वक्त मिलता है YouTube पे, वीकेंड पे YouTube पे सारा वक्त, तो फिर आप YouTube पे बैठे रहते होगे, मतलब अगला जब इस वीकेंड का शो, हाँ। अगले वीकेंड पे, अच्छा। फिर टाइम नहीं मिलता ना बीच में। हाँ, ये है। अंडे चाहिए, 2 अंडे हैं मेरे पास। ठीक है, इसका क्या करना है अभी? इसको सिर्फ खाली सॉल्ट में मैंने इसको फ्राई करना है, अच्छा, और सही, वो भी इसके अंदर मिक्स होगा। अच्छा, वो मिक्स कर दोगे? मिक्स करूंगा, अलग से फ्राई कर, अलग से फ्राई करके फिर ऊपर डाल देंगे तेल में, जैसे फ्राइड राइस में। फ्राइड राइस में भाई अम्मी ने ज़रूर, बच्चे छोटे होंगे ना तो ये ऐसे बनाना शुरू कर दिया होगा बग़ैर हड्डी के, है ना? ऐसा ही था ना कुछ ना कुछ, के बच्चे सब्जियां भी खा लें, इनको ऐसी चीज़ दे दो, हड्डी, गरम मसाला, सब पिसावा हो के वो सब पिसा, जैसे बच्चों का होता है ना कि ये हटा दो वो निकाल दो। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बाहर की सिचुएशन, बाहर का मौसम आप पर कितना असर करता है, क्या आपकी खुशी बाहर की इन चीज़ों पर डिपेंड करती है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए कि बाहर की चीज़ों से आपको खुश मिलती है? अक्सर होता है ना कि घर नया,
कोई गिफ्ट दे तो खुशी मिलती है, कोई अच्छी बात करे तो खुशी मिलती है, ये बात सुने मेरी, मेरे मुताबिक चलें तो खुशी मिलती है, नहीं चलते हैं तो हम दुखते हैं, ये हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये बाहर की चीज़ें कंट्रोल करती हैं आपके अंदर को, या आपका कंट्रोल आपके ऊपर है? अगर आज पता तो चले। हाँ भाई, बस सीमल की कॉल आई है। सीमल तो नहीं है आपके कोई रिश्तेदार? नहीं। अच्छा जी, सीमल मेरे लिए कॉल है फिर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ठीक। अब बात है, मजा आ गया, सुन के भी मजा आ गया, आपको बोल के भी मजा आया होगा। और आप भी मुझे लग रहा है बहुत माशाल्लाह खुश हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आज ना। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। पठानी पठान, मैं थोड़ी सी पश्तो सीख रही थी, ये यहाँ पर अब्दुल्ला होते हैं, मैंने कहा बता दूँ वेलकम को क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ा सा जुमला मुझे नहीं आया और टाइम हो गया शो का, मैंने कहा छोड़ो कुछ और ना निकल जाए मुँह से। मैं सिर्फ नाम की खान हूँ एक्चुअली ना। अच्छा, जी 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 सिमल, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची में होती हैं आप? कराची, कराची से, कराची से। अच्छा अच्छा, शो देखती हैं हमारे रेगुलर? जी शो देखती हूँ, जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है मैं देखती हूँ आपका शो। वेरी गुड। तो कुछ आपने शुरू किया ये खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, कुछ वाइब्रेशंस का, कुछ अच्छी जी मैं बहुत इस चीज का बहुत अपने आप को खुश रखती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या, हमेशा माशाल्लाह खुश रहती हूँ। वेरी गुड। बहुत, मैं किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करती, और कोई ऐसी नेगेटिविटी जो है अपने ऊपर नहीं हावी करती, और माशाल्लाह माशाल्लाह अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ और खुश रहती हूँ। बाहर का मौसम हो, मैं वो अपने बहुत इंजॉय करती हूँ, और अंदर का मौसम मैं उसको कोई अहमियत नहीं देती उसको ना। है नहीं, अंदर के मौसम ही को तो सारी अहमियत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही है। और अंदर के मौसम का रिमोट किसके पास है? दूसरों के पास है, आपके पास है? नहीं नहीं, मेरे पास। वेरी गुड। कोई कुछ करे, कर ले जो करना है ना। हाँ बिल्कुल, एक काम से सुना दूसरे से निकाल दिया। वेरी गुड। अक्सर लोग कहते होंगे कितनी बहस है ना? उस तरह करो तो लोगों को मुश्किल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक काम से सुना दूसरे से निकाल दिया, बोलते हैं तो बोलते रहे, अपने ऊपर नहीं फर्क पड़ता कोई। हाँ बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज उबैद आए भाई रहीम यार खान से। हाँ मैंने इनका पहले भी शो देखा था, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं ये ना। और आज भी ये जो मसाला राइस बना रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, मुझे नई डिश लग रही है ये। हाँ डिफरेंस ये लग रही है, और ये कि क्विक झटपट वाली है कि आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। और उबैद आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, पहले भी मैंने आपका शो देखा था। थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह लगे रहे, और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इलाही आमीन। और बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है सिबिल, थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसती और खुश और मुस्कुराती रहे। हाँ जी, क्या किया हमने? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही है। ये सिर्फ मैंने दो अंडों को लेके खाली ऑयल और हल्का सा सॉल्ट और पेपर में पका लिया था। ठीक, अब जाएगा ये हॉट सॉस। ओके, संडिप। संडिप की हम हॉट सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। संडिप नॉरिस वालों का ब्रांड है, और इन्होंने जो है वो चाइनीज सॉसेस का इंट्रोडक्शन किया है। एंड विनेगर, अच्छा सिरका भी, 2 टेबल स्पून। मज़े के लग रहे हैं ऐसे हल्के फुल्के से ना, संडे टाइप के अभी बन जाए मसाला राइस, जो संडे के रोज आप बना के खा सकते हैं। हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। ओके, हॉट सॉस, सोया सॉस एंड सिरका, तीनों चीज़ें हमने डाल दी। ये अम्मी भी डालती है या हम? मामा भी डालती है। अच्छा, ये एज इट इज वही रेसिपी है जो मामा की है। अच्छा, अभी आ रही है ना मामा, अभी आएंगी तो पूछ लास्ट लास्ट। अच्छा अभी क्या करना है, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे। बस मैं इसको ये डाल के और तेल लगा रहा हूँ बस। क्या डालूं? सिर्फ अंडा डालूंगा 2 मिनट, थोड़ा सा कुक करके, थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा। ठीक है, पहले अंडा, अंडा और उसके बाद ये चावल, और ऊपर से कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस तेल लगा देंगे। सही है, ठीक है जी, हम इसको तय लगाते हैं, अंडा डालेंगे और फिर हल्की आँच पे इसको रख देंगे चावल डाल के। ब्रेक ले लो, चलो चलें। मैं बस इसको तय लगाऊंगा, आपने कहीं भी नहीं जाना, लाइवली वीकेंड्स को देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। हर घर में जब
मसाला राइस अच्छा उबले चावल आधा किलो चिकन बोनलेस 400 ग्राम तेल हसबे ज़रूरत मटर एक कप गाजर एक कप शिमला मिर्च एक कप अंडे दो अदद ब्लेंड कीवी प्याज एक कप टमाटर एक अदद नमक हसबे ज़ायका लाल मिर्च एक चाय का चमचा काली मिर्च एक चाय का चमचा ज़ीरा एक चाय का चमचा पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा सिरका तीन खाने के चमचे सोया सॉस तीन खाने के चमचे हॉट सॉस तीन खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा तरकीब पैन में तेल गरम करके चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट पकाएं अब प्याज और टमाटर शामिल करके दो मिनट पका लें फिर नमक काली मिर्च लाल मिर्च जीरा और पिसा गर्म मसाला डालकर एक मिनट पकाएं अब सब्जियां सिरका हॉट सॉस और सोया सॉस डालकर ढकें और पाँच मिनट पकाएं यहां तक कि तेल अलग हो जाए उसके बाद पके हुए अंडे डालें अब उबले चावल ग्रेवी डालकर धीमी आँच पर आठ मिनट पकाएं अच्छा जी आ जाए जी हम किचन में हैं और उबैद हमारे साथ है चावलों की ज़रा शक्ल दिखाना मसाला राइस हमने बना दिए हैं अच्छा तय लगा दी है और जो हमने मसाला बनाया था प्लस आपने ऊपर से अंडा, अंडा बीच में भी अंडा डाला बीच में भी अंडा तय लगा ठीक है और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं डाला सही हल्की आँच पर इसको दम दें जब मिक्स हो जाएंगे अच्छा अब कौन सी स्टार्ट करें क्रीमी चिकन ये कहाँ से सीखी ये अपनी है ये भी अपनी खुद ही अम्मी को खिलाई मामा को भी थोड़ी मामा की थी और थोड़ी अपनी मामा अच्छा दोनों की मिक्स कर मिक्स ये बनाना मैंने क्रीमी चिकन इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल ठीक है किफाया कुकिंग ऑयल सबको दिल को भाया थोड़ा सा ऑयल ठीक है जितना आपको चाहिए कभी कोई चीज़ ख़राब की है पहले जलाई है अब नहीं होती अब नहीं होती अब नहीं होती अब याद रहता अब याद रहता अनियंस ठीक है ब्लेंड किए हुए कितने अनियंस हैं ये है वन एंड हाफ कप टू कप्स लिखे हुए जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से इसको सेट करें अच्छा ठीक है और आपने बॉईल किया बॉईल किया ये है चिकन 750 ग्राम्स ठीक है अच्छा पहले चिकन डालकर थोड़ी सी आप उसकी भुनाई करेंगे फ्राई करूँगा हल्का अम्मी के हाथ का आपको क्या पसंद है मम्मा के हाथ का मम्मा क्या की बिरयानी बिरयानी सबको ही पसंद है कॉलर रुखसाना जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ कैसी हैं आप मैं तो बहुत अच्छी खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल बिल्कुल बेहतरीन वाकई जबरदस्त अभी जो आपको बोलना होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है और उससे सब में एनर्जी आ जाती है हाँ आप भी ट्राई करें ऐसा अच्छा अच्छा बोले इंसान तभी अच्छा बोलता है जब अच्छा सोचता है बिल्कुल बिल्कुल जो सोच होती है ना वो सोच ही इंसान को यानी चेहरे पे भी लाती है और देश हाँ। लाती है आपकी जो गेस्ट आए हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चा है उम्र में हाँ फर्स्ट ईयर में वही ना इतनी छोटी सी उम्र में इतना जबरदस्त काम इस वक्त तो लोग चाय तक नहीं बनाते कहते हाँ। कि भाई हमसे नहीं बनती अंडा नहीं बॉयल कर सकते ये इतने बड़े बड़े लोग कैमरे के पीछे खड़े इनको भी नहीं आती होगी चाय शाय बनाने खाने वाने बनाने अंडा बॉयल कर लेते होंगे चूल्हे पे जाना तो वो समझते हैं कि भाई हमारा तो काम ही नहीं है ये हाँ और क्या ये शौक की बात है लेकिन सही बात है बिल्कुल शौक की बात है हाँ। ये कि घर में देखते रहते हैं ना वैसे ही बचपन में शौक होता है बचपन में लोग शौक मार देते हैं कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं आना अभी नहीं करो तुम्हारे हाथ जल जाएगा ये बिल्कुल करके करते हैं ना हाँ। वो नहीं करना चाहिए हमेशा साथ साथ लगाना चाहिए और ये थोड़ा बहुत काम करते रहे तो इंसान को शौक पैदा हो जाता है बहुत ज़बरदस्त हम लोग और डर पैदा कर देते हैं हाँ लेडीज और जेंट्स का कोई मतलब नहीं होता जो चाहे किचन में जाए बिल्कुल दोनों के लिए है जी हाँ और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि मौसम के मतलब उसकी कौन सा मौसम तो जाहिर है कि इफेक्ट तो करता है क्योंकि अगर बाहर का मौसम गर्म है मतलब ये कि घर में भी गर्म हो सकता है जरूरी नहीं कि धूप में ही गर्म हो सही है तो इफेक्ट होगा ही होगा ना अफेक्ट होगा ठीक है और अगर हंसी खुशी मजे की बातें किसी पिकनिक पे जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो जाहिर है कि उसी तरह से दिन का मौसम भी अच्छा हो जाएगा अच्छा तो मतलब खुशी फिर कुछ चीज़ें हम करें बाहर तो फिर हमें खुशी मिलती है बिल्कुल खुशी मिलती है और ये कि खुश रहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए सोचना ही नहीं चाहिए कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ बस जो हुआ सो हुआ
बस आगे खुश रहो, कुछ देखो, खुशियाँ देखो और दूसरों को भी खुश रखो। सही है, आगे की बेहतरी चाहते हैं तो अभी खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है जी। थैंक यू रुखसाना जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अब इसके अंदर जाएगा चिकन को मैंने पका लिया, इसका कलर चेंज हो गया देखिए। अब जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक। ठीक है, आपने तो शुरू में प्याज का प्याला पकड़ लिया था, वो मुझे भूल गए। भूल गए थे? नहीं भूला नहीं था, मुझे हो रहा था कि पहले यही डालने के मुझे याद आ गया। अच्छा, रेसिपी रख सकते हो सामने, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी से भी आवाज़ लगा के पूछ सकते हो। नहीं याद तो रहता है, थोड़ा बहुत भूल जाता। नहीं प्याज भी खैर डाल दो, वो एक ही है, साथ भुनाई इसकी हो गई है। ठीक है, अदरक लहसुन आपने डाल दिया, अदरक लहसुन डाला है और बस अब इसको थोड़ा ढक्कन दे। अच्छा, प्याज अभी नहीं जा, प्याज अभी नहीं जा, चिकन थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, बाकी मसालों में ये आपने हरा पेस्ट का बनाया, ये हरा पेस्ट डालना है, ये अभी थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मैं फिर ये डाल दूंगा। ठीक है, ये क्या है, क्या सिर्फ ग्रीन चिली, सिर्फ पानी में हल्का सा मैंने इसको पेस्ट है। ठीक है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर। अच्छा, और क्रीम, ये है क्यूमिन पाउडर और ये क्रीम, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। सही है, और ये नान ग्रेवी वाली होगी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि नान के साथ खाना। आपने कराची में क्या कुछ स्पेशल खाया, कोई बाहर की कढ़ाई चढ़ाई या? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, घर पे ही। घर पे कहाँ पे ठहरे हुए आप लोग? वो मामा के वो घर है, फूफो का घर वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बहुत मजे मजे के खाने बना के खिलाए, मेहमान आए हुए रहीम यार खान से, तो खातिरें हो रही हैं। अब जाएगा ये, ठीक है, ग्रीन चिली। सही है, 1-2 टेबल स्पून लिखा हुआ। ठीक है, हमने फिर से ब्रेक पे जाना है, कुछ और मजीद डालना है अभी या हम बस प्याज डाल दूंगा, मैं प्याज ब्रेक में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ हमने हरी पेस्ट डाला है और हरी मिर्चों का, अदरक लहसुन किया है, भुनाई की है, सिर्फ ये उबली हुई प्याज है जिसका पेस्ट बना के रखा है, ये हम अभी डाल देंगे ब्रेक में। हम ब्रेक ले लेते हैं, ले लें आप अपने फिर से आज सारी ब्रेक्स उबैद से। चले मैं इसको थोड़ा सा पका रहा हूँ, जैसे ये होगा ब्रॉयल्ड अनियन, अनियन डाल देंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए लाइव न्यूज़ के। क्रीमी चिकन अज्जा। चिकन 750 ग्राम, उबली और ब्लेंड की हुई प्याज 2 कप, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, अदरक जुलियन गार्निश के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am a powerful soul, I am a divine soul, this is divine food. इसमें अल्लाह ताला की ताकतें और कुदरत और नूर शामिल है जो मेरे अंदर सब्र और शुक्र पैदा कर रहा है। मैं हर पल अल्लाह की पैरवी, अल्लाह की अताअत करती हूँ, तमाम बुराइयों और बीमारियों से पाक साफ हूँ। ये खाना बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे तरीके से, अच्छी सोच के साथ बनाया गया है और मेरे अंदर जाकर ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा करेगा। इसका शुक्रिया, इन चीज़ों का शुक्रिया, इस खाने को बनाने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी अच्छी वाइब्रेशन डाल दी मैंने आपके खाने में। अब आपने जिस थॉट से भी बनाया हो, मैंने इसको क्लिन कर दिया। अच्छा जी, मसाला राइस ज़रा टेस्ट करके बताती हूँ। मज़ेदार है भाई, आसान से राइस में मसाला डाला, सब्जियां डाली चिकन के साथ, और ये मैं कह सकती हूँ कि देसी वर्जन है चाइनीज़ राइस का, है ना, मसाला वाला, गरम मसाला और धनिया नहीं डाला था हमने, लेकिन सोया मिर्च वगैरह, मज़ेदार है, हल्का हल्का सा, लाइट लाइट सा, आप इन्जॉय करेंगे इसको, वेरी नाइस उबैद, अम्मी का शुक्रिया। अच्छा जी बताइए, अब क्रीमी चिकन, अब इसका मैंने ब्रेक से जान, ब्रेक में मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज, और प्याज का अब देख लें कि पानी खुश्क हो रहा है, ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर जाएगा स्पाइसेस, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट भी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ठीक है, क्यूमिन पाउडर ये भी 1 टीस्पून। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और चिकन डाल के भुनाई, फिर मसालों में सोया मिर्च, जिंजर, नमक, और नमक ये जीरा और वो काली मिर्च, काली मिर्च, और हमने हरा पेस्ट, हरा पेस्ट डाला था वो डाल 2 टेबलस्पून।
ठीक है, इसका कलर ऐसे ही होता नहीं, है? नहीं, क्रीम जाएगी। अच्छा क्रीम जाएगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से भुनाई करनी है। नहीं ये मज़ेदार है राइस, सिंपल से हैं, डिफरेंट स्टाइल के फ्राइड राइस मसाले वाले। और आपने इसमें सॉसेस भी तो डाली थी, सॉसेस भी डाली थी वो संदीप की। इसमें संदीप की तीनों सॉसेस का इस्तेमाल किया था जिनकी चाइनीज सॉसेस हैं, सिरका, हॉट सॉस एंड सोया सॉस। मटर चावल तो वैसे ही मज़े के लगते हैं। आपको क्या फेवरेट, क्या पसंद है खाने में? बिरयानी, बस बिरयानी और कढ़ाई चिकन। रोज़ दे दो बिरयानी खा लोगे? रोज़ खा लूँगा, हाँ खा लूँगा। बिरयानी मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। गोश्त की, मुर्गी की? चिकन। चिकन, चिकन और अगर साथ आलू डालें तो वो और भी चार चांद लग जाते हैं। आलू तो डलते ही होंगे ना? कभी कभी मम्मा नहीं डालती, कभी कभी डाल देती। ओ ये मम्मा जो जुल्म करती है ना। अच्छा मैं, मुझे दाल चावल आप रोज़ दे दे, मैं रोज़ दाल चावल। सारों के फेवरेट होते हैं, सभी का ना, सभी का फेवरेट होता है दाल चावल साथ अचार। नो अचार नहीं, अचार मुझे अचार चटनियों का इतना शौक नहीं है। ओरिजिनल खाना जैसा है ना वैसा, उसका अपना फ्लेवर होना चाहिए। दाल अच्छी बनी हुई हो बस, हाँ ये ना हो कि बिल्कुल ही हर चीज़ मसाला डालकर। सॉरी, अच्छा जी ये भी हो गया। अब हमारी सिर्फ एक डिश ड्रिंक रह गई है बस, आसान से। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने यहीं से ली? ये वाले जो मेरे स्पाइसेस है ये घर से लेके आया था। अच्छा, और बाकी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यहीं से ली। क्रीम जा रही है इसके अंदर 1 कप। अब वहाँ अब स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएगा? कॉलेज मंडे से, कल से। आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी? छुट्टी मिल रही थी लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन है ना फिर कॉलेज के, मुश्किल होता है। नहीं बता रही थी ना हमने कि वो प्रोफेसर दे नहीं रहते। एप्लीकेशन थी फिर मैंने वो भी लेके साइन करवा के। चलो जी आ गई कॉल एक और आपके लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उबैद, क्या हाल है? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हो। थैंक यू सो मच आंटी। और किरण आपकी तारीफ कर रही हूँ, और भी बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए चची हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। मैं मसाला चैनल वैसे तो बहुत ज्यादा देखती हूँ लेकिन आज मेरे भांजे का प्रोग्राम लगा हुआ तो बड़े शौक से देख रही हूँ बैठी। मुमानी है, अच्छा हाँ जी सही है, तो सब बैठे देख रहे होंगे। अभी आप राइस खा रही थी और तारीफ कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत मजे की बनाए इसने ना ये चावल, आपने खाए ये वाले राइस? हाँ जी खाते रहते हैं इसका बना हुआ। और अभी मतलब हमारे घर में ये वाहद हमारा बच्चा है जिसको हाँ। शौक है पकाने का। अच्छा, बाकी सब बच्चियों को शौक होगा ना? मतलब लड़कों में ये वाहद है। नहीं नहीं ऐसे होते हैं और ये हाँ। अपने शौक को लेकर चल रहा है आगे। हाँ जी, ये अच्छी बात है। हमारी दुआएं इसके साथ है, अल्लाह ने इसको कामयाब करे और मुकम्मल शेफ बनाए। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई भी साथ साथ इसकी चल रही है और ये हाँ भी बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा है हमारे घर का ये। हाँ नहीं नहीं बड़ी बात है भाई, इस उम्र में वाकई में लड़कों को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। हाँ जी हाँ जी, तो मेरे कुछ दो बेटे हैं वो चाय भी नहीं बना सकते। हाँ देखे देखे तो ये हमें बहुत खुशी होती है, ये हमें बना के खिलाता रहता है। मिसालें देती होंगी आप लोग इसकी ना बच्चों को घर में कि ये देखो बैठ को देखो कितना अच्छा कर लेता है। हाँ जी वो खुद मतलब है इससे, इसकी तारीफ करते हैं हाँ। और खुद कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी आप भी वही होती हैं रहीम यार खान में? हाँ जी मैं भी रहीम यार खान में ही होती हूँ। सही है सही है, ठीक है जी एंजॉय करें you. और कोई बात करनी है बस। और आंटी आप कैसी हैं? साथ है, अल्लाह मियां से कामयाबी दे आमीन और खैर खैरियत से घर आएंगे आमीन। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सभी ने खाए हुए हाँ ये राइस जी, इसका मतलब आपके यहाँ काफ़ी बनते हैं। एक्चुअली चावल की कोई भी डिश होना मज़ेदार ही लगती है। चावल वैसे है ना दुश्मन होते हैं लोग। दुश्मन नहीं नहीं कुछ दुश्मन नहीं है, सब अच्छा अच्छा है चावल के, सब दोस्त दोस्त हैं, हम भी दोस्त हैं इसके, हर चीज़ की दोस्ती दोस्ती है। अच्छा जी एक और ब्रेक आ गई है, ये ऑलमोस्ट डन है, इसको हम हल्की आंच पर जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो मैं इसको डिश आउट कर दूंगा और उसके बाद हल्का करना, हल्का कर दो वरना वो बिल्कुल से लगना शुरू हो जाएगा। बस ठीक है जी, इसको भी हम डिश में निकालेंगे, डिश में निकालते हैं फिर हम एक ड्रिंक रह गया वो बनाएंगे। और वो सूफले का क्या हुआ? वो उसको भी निकालते हैं, मैंने उसको गार्निश करना है बस ब्रेक से। ठीक है सही है,
चले जी, वो भी मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। एक ब्रेक लेते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। भाई ये जो चिकन बनाई है ना आपने, शक्ल आपको वाइट वाइट लगेगी क्योंकि ये है ही हांडी, क्रीमी हांडी है, बट फ्लेवर बहुत मज़े का है इसका। और क्रीम के बाद आपने इसको जो कुक किया वो बस, कोई बटर शटर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ क्रीम है। नान के साथ एंजॉय करेंगे आप। और आपने हड्डी के साथ बनाया, ये अच्छा किया क्योंकि उसकी अपनी यखनी जो निकली है ना उससे फ्लेवर बहुत अच्छा है, वरना अक्सर लोग बोनलेस में बनाते वो मज़ा नहीं आता। वेरी नाइस, ये भी पास है। चावल भी मज़ेदार है, सिंपल रेसिपीज हैं। मैं बहुत ज़्यादा वो लेमन मिंट स्मूदी स्टार्ट करूँ कर लूँ लेकिन अच्छी। हाँ जी, लेमन मिंट स्मूदी के लिए मेरे पास हैं ये मिंट लीव्स, 2 टेबलस्पून चाहिए। ठीक है, अच्छा लेमन, लेमन क्या है, लेमन मिंट स्मूदी। अच्छा अच्छा, डिफरेंट सी है बहुत। ठीक है, ये भी यूट्यूब, ये भी यूट्यूब, एवरीथिंग यूट्यूब। आई योर ओनली ऑन यूट्यूब। योगर्ट चाहिए, चमचा, 2 टेबलस्पून योगर्ट। अच्छा, दही के साथ स्मूदी हमेशा दही के साथ बनती है, मतलब जहाँ पर स्मूदी का लफ्ज़ है आप समझ जाएंगे इसमें दही। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लेमन पाउडर लिखा हुआ था लेकिन आजकल वो आउट ऑफ सीजन है तो लेमन पाउडर कहीं से भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो लेमन जूस, लेमन जूस यूज कर लें। ठीक है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है, हल्का सा कलर मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, ऑरेंज कलर डालें क्योंकि फिर इसका मैंने सिर्फ कलर ही लाना है, लेमन पाउडर अगर होता तो उससे हल्का हल्का येलो कलर आ जाता। अच्छा, ऑरेंज कलर हल्का सा, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास येलो कलर हो तो आप येलो कलर डालें, और कलर नहीं भी डालें कलर, वो अगर लेमन पाउडर होगा तो कलर आ जाएगा। अच्छा सही, काफ़ी होगा। कोई भी वाइट ड्रिंक, उसके बाद जाएगी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम किसी भी कंपनी, योगर्ट एंड मिंट एंड लेमन जूस, वनीला आइसक्रीम। 2 स्कूप्स लिखे हैं लेकिन मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ ताकि। चाय पीते हैं आप? चाय बिल्कुल भी नहीं। कॉफ़ी? कॉफ़ी कभी कभार जब ठंड ज़्यादा। बच्चे वैसे चाय नहीं पीते, फिर बड़े होकर कैसे आदत हो जाती है उनको। अब जाएगी आइस, समझ नहीं आता इतने आइस क्यूब्स डालें जितना ठंडा चाहिए, जितना ठंडा, जितना चिल्ड, जितना क्रश्ड। और ये सोडा वाटर। ठीक है, वाइट ड्रिंक ले लेंगे, सोडा वाटर। सही है, और जिस वक्त पिए और पिलाएं उसी वक्त ही बनाएं, है ना, उसी वक्त हो गया। अभी तो आप 2 रेसिपीज और बना सकते थे, इतना क्विक आपने काम किया है। टाइम नहीं था। मिंट के साथ आइसक्रीम एंड, अच्छा मैं ग्लास लेकर आती हूँ। दो में दो आइस और डाल दें, दो में नहीं आएगा तो एक में डाल दें क्योंकि वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल डाल दें, थोड़ी सी ग्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये ऑरेंज सूफले जो है ये भी हमने फ्रिज से निकाल लिया। मैं चाह रही हूँ इसको टेस्ट करूँ क्योंकि फिर आप गार्निश कर दोगे, फिर तस्वीरें मैं नहीं चाह रही कि ख़राब हो। आपने ऊपर से व्हिप क्रीम भी करनी है ना? व्हिप क्रीम मैंने भी करनी है। साइड से ले लो थोड़ा सा, ले ले ले, पता नहीं चलेगा ना, छुपा देना आप अपनी महारत से, ज़रा लोगों को बताऊँ तो ना कि कैसा बना। बिस्किट के उसके साथ लूँगी मैं। अच्छा ये देखें, जम गया है बाय द वे सूफले, क्योंकि हमने इसमें जेलेटिन डाली थी। सब खराब ना कर दें, ठीक है, लाइट सा है, मज़े का है, और जेली के साथ आप गार्निश करेंगे, जेली के साथ और व्हिप क्रीम के साथ, फ्लेवर मज़ेदार है। और सिर्फ हमने इसमें वो बिस्किट का भी, वो बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है, वो मैंने होल व्हीट, वो आपने होल व्हीट बिस्किट्स के साथ ही बनाना है, आप इंजॉय करेंगे। और क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर है ना, बहुत सॉफ्ट एंड वेरी लाइट, ठंडा ठंडा सूदिंग सा है। उबैद एक और कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वालेकुम सलाम उबैद, कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं बड़ी माँ। इसमें डाल दो एक्स्ट्रा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ऐसा वैसा? थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाबी दे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू बड़ी माँ। सुबह की बैच बड़ी अम्मा घुमानी है, सब बड़ी अम्मा कहते हैं। हाँ जी बड़ी अम्मा, सलाम देना। वालेकुम अस्सलाम, सब मुमानी, सब बड़ी अम्मा है इसकी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ आज। उबैद तो हमारा फैन हो गया, आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया। आप उबैद की फैन हो गई हैं। हाँ नहीं वाकई में भाई, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल फर्स्ट ईयर, कुछ भी नहीं है, और सब इसने आज इसने आगे से भी अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम। हाँ दिल खुश हुआ देख के। थैंक यू सो मच। सब खुश हो रहे, सब सबकी दुआएं मिल रही हैं उबैद को। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला इसे और कामयाबियां दे। सही है बिल्कुल, अच्छे अच्छी बात है ना, कोई एक आध ऐसा होना चाहिए फैमिली में। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी ब्रेक भी आ रही है। स्मूदी तो बड़े मज़ेदार है, बड़ा मिक्स फ्लेवर है स्मूदी का, मिंट वेनिला और दही, दही का थोड़ा सा लाइट है बट मज़े का, एंड सोडा। चले जी मैं इसको खाऊं या पीती हूँ अभी डिसाइड करती हूँ, आप लोग फिलहाल ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इन द मीन टाइम उबैद जो है वो अच्छे से गार्निश कर लेता है ये इसको। ठीक है जी। लेमन मिंट स्मूदी, अच्छा लेमन पाउडर 3 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियाँ 4 खाने के चमचे, वनीला आइसक्रीम 3 स्कूप्स, दही आधा कप, सोडा वाटर 1 कप, आइस क्यूब्स 1 कप। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें और सर्व करें। जी आ जाएं, बस एंड है आज की रेसिपी। उबैद ने तो भाई कमाल किया, मतलब आप का टैलेंट, आपका जो शौक है। अच्छा जी आंटी यहाँ पर आ चुकी हैं, उबैद की अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसा रहा शो पूरा? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा। अच्छा मज़ा आया? बहुत मज़ा। आप लास्ट टाइम भी आई थी? जी हाँ। तो अब ये जो रेसिपी थी ये मैं सही कह रही थी कि ऐसे ही आपने सीखा था, मतलब बनाना कि ये बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, चलो मिक्स करके खिला देती और ये डिश बन गई। और आज लाइव वीकेंड से हम सब ने सीख ली, वो माँ ने ऐसी इजाद की ना ये रेसिपी। अब आज वापसी है आप लोगों की खैर से। अभी जाकर क्या करोगे उबैद? पैकिंग करेंगे, जो हुई होगी आती तो जो बिखरा होगा थोड़ा बहुत वो पैक करूंगा, बस उसके बाद जो मैसेज आएंगे वो देखूंगा। रात में शो रिपीट होगा 9 बजे यूट्यूब। ये सबसे छोटा है? नहीं, एक और छोटा मेरा भाई, छोटा भाई है। अच्छा, शौक खाने का इसी को ज्यादातर है ना? आपने शुरू से इसको एनकरेज किया कि हाँ ठीक है ये भी सीख लो? मामा ने, सबसे ज्यादा मामा ही करती थी कि तुम करो, कोई बात ना लो, छोड़ो बातें करने, तो करने वालों को। वेरी गुड, खुद ही बस। हाँ नहीं अच्छा है, अब इसकी पढ़ाई भी है साथ साथ, कामयाबियां दे। हाँ नहीं नहीं आमीन, बिल्कुल, फिर इंसान मेहनत करता है। तो चले सही है जी, हमारा ये जो आज का शो था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपको देखकर काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी कि इतनी छोटी सी उम्र में हर कोई जो है ना वो अपने बच्चों को देख रहा होगा, लेकिन ऐसा आप नहीं कीजिएगा, ना ही आप अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि उसको देखो इसको देखो। हर किसी में टैलेंट होता है, उसको बड़े तरीके से हैंडल करें, वरना इस तरह से ना बच्चा भी बहुत एक नेगेटिव सोच में चला जाता है कि मैं नहीं कर सकता, वो कर रहा है, माँ हमेशा ऐसे ही बोलती है। हमेशा इनक्रेज करें बच्चों को, ना कि डिस्करेज करें, ना कि कंपेयर करें, उनकी अपने ही टैलेंट को उभारें। तो ये हमारा आज का शो था, आज की रेसिपीज अच्छी थी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और मीठा भी बहुत मज़ेदार था, आपने कवर कर दिया। थैंक यू सो मच, मैंने जो उसको बिगाड़ दी थी मैंने शक्ल, बट ये एनिक्स का तोहफा आप लोगों के साथ जाएगा, पैकिंग करते वक्त इसको साथ रख लीजिएगा, आप लोगों को हमारी याद दिलाएगा। फिर कभी हो कराची आने का, यू मोस्ट वेलकम। जब तक और मेहनत करें, यूट्यूब चैनल्स देखें, और अपने भी यूट्यूब पे वो चैनल बनाकर उसको करो और करो बिल्कुल। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम ज़रा इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ेंगे कि क्या बाहर की चीज़ें, बाहर की सिचुएशन, बाहर के लोगों की बातें, बाहर का मौसम अफेक्ट करता है और क्या करना चाहिए, या हमें ये कंट्रोल अपने हाथ में होता है, ये चॉइस हमारी अपनी होती है कि हम अच्छे रहें या खुश रहें या उदास रहें या दूसरों पर डिपेंड करें। तो दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
हर घर में जब सब होते हैं साथ।